So then she and my wife, who was also absolutely ravishing beauty at that time, and Mrs. Khushwant Singh were talking, and Khushwant Singh, you can hear what everybody is saying. Khushwant Singh looked at me and said, "Oh, pata main kyun bulaya?" So after just 15 seconds, he said, "Tenu pata hai da sir phiriya hai." He said, "Arey mainu chithiya likhdi hai, 12 page di chithiya dindi hai Rajya Sabha vich. I can't even repeat to you what he said." उन चिट्ठियों में क्या था? तो नहीं सर कि मैं सोचा एक बारी कि पब्लिश ही कर दे, मगर फिर मैंने याद आया, यू नो देयर वाज अ लेडी इन मद्रास हु हैड एसिड थ्रोन ऑन हर, एंड दैट सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर, ही से मैं सो फिर सोचा कि यार ये सो मुझे गाड़ी क्यों एसिड पानी का और मैं और तो कसौली रखी हुई है, पता नहीं उन्हें है कि नहीं नहीं बट there are favorite tales about him. I think once he wrote about, he was the publicity in charge at the Indian High Commission in London, and Pandiji was visiting, and his job was to ensure the maximum publicity. So he had given information as to where Pandiji was staying in a hotel, and all the correspondence and photographs were there from the behind it. But the person who emerged from the room was Lady Mountbatten. So Pandiji was furious. Khushwant Singh writes that I did not know why you should decide. My job was to ensure full publicity. Now, is it a fact or is it fiction or is it faction? We'll never knew it, Mr. Khushwant Singh. Everyone also has his favorite grouse. And my grouse was Kibi, with all his wit and humor and everything, Gandhi was Kachiki. And one of these, and we do, I was naturally very fond of him and so on. And then my wife started getting unwell and we contacts with him less and less. And then the publishers, thinking that we were good friends, who sent one of my books to him. And he wrote a very nasty thing, which is just not true. One of these tale gatherers had told him, we thought that those Arun Shourie ta kehnda ki, oh, मस्जिद ही नहीं है इस बाबरी मस्जिद इसे काबू कर लो सब अच्छाइयाँ लगती हैं जो कहा है उसमें सारी चीज क्लेरिफाई कर दी है जो यशवंत सिन्हा जी ने कहा है उसको मैंने बहुत पहले कहा था और लोगों ने भी कहा बड़े बड़े विद्वानों ने कहा रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स ने कहा है चिदम्बरम ने कहा था हमारे मनमोहन सिंह जी आदरणीय मनमोहन सिंह जी उन्होंने कहा था यशवंत सिन्हा जी ने कहा है अरुण शौरी जी ने कहा है इसलिए इन बातों पे गौर करने की आवश्यकता है ब्रश असाइड करने की आवश्यकता नहीं है सारी बातें पार्टी के हित में हुई हैं और उससे ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट में और अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि और रीट्रीट किया है कि नेशन इज बिगर देन द पार्टी तो हम लोग पार्टी और नेशन के इंटरेस्ट में बातें कर रहे हैं तो इन बातों पर गौर करना चाहिए इतने लोग लर्नेड लोग हैं विद्वान लोग हैं एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ये लोग करीब करीब स्टेट्समैन हैं तो इनकी बातों में बहुत दम है तभी तो पूरे देश का समर्थन मिला है नहीं अब तो बोल भी रहे रिवाइव करेंगे हम जीएसटी को भी रिवाइव करेंगे वही अभी अरुण शौरी जी ने कहा है हाँ जी पहले हो जाए उसके बाद अब तो बातें तो बहुत हो जाती हैं हम लोग बहुत कह देते हैं भाषण तो हम लोग बहुत दे देते हैं अभी की ग्राउंड रियलिटी पे वस्तु स्थिति पे ये बातें हुई हैं ये कही गई हैं जो बहुत ही चिंताजनक है 2019 का इलेक्शन हमें तो लगता है इलेक्शन पहले ही हो जाएगा लेकिन खैर ये भी मान के चलें कि 2019 का इलेक्शन है तो सबसे पहले गौर करना चाहिए हमारे अपने गुजरात स्टेट में भी इलेक्शन है हिमाचल में है हमारे कर्नाटका में है और गुजरात भी बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा इसलिए हमें चाहिए कि जो यशवंत सिन्हा जी ने अरुण शौरी जी ने चिदम्बरम साहब ने राहुल जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जो बातें कही हैं कम से कम उनकी बातें सुनो और समझने की कोशिश करो हम अभी भी दुरुस्त कर सकते हैं कई लोगों ने कहा कि 2019 में हालात मुश्किल होंगे हमने कहा देखें गौर कीजिए ये कहा है कि हालात मुश्किल होंगे ये नहीं कहा है कि हालात नामुमकिन होंगे
अगर हम अभी से कोशिश करें, ठीक करें, तो हम कर सकते हैं। इसको राइट स्पिरिट में, पॉजिटिव डायरेक्शन में देना चाहिए। इसको एंटी माइंडसेट से, एंटी नेशनल नहीं बल्कि प्रो नेशनल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चलिए, आपकी आपने कहा तो अब सबका हो ही गया। हम तो पिक्चर में देखिए मेरी मुंडी कटती है।